दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि आईपीएल के आखिर में भी रॉयल इलेवन एक ऐसा ऐप है जहां पर आप लोगों को 25 लाख का लीडर बोर्ड 11 तारीख को देखने को मिलेगा, तो आप लोग जल्दी इस ऐप को ज्वाइन कर लो। इसके अलावा दोस्तों रॉयल इलेवन एक ऐसा ऐप है जहां पर अगर आप लोग 1 लाख रुपए जमा करते हो तो आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि अभी दोस्तों कोई बैंक भी नहीं देती है। जितना पैसा आप लोग जमा करोगे आप लोगों को उसका 5% यहां पर मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को बता दें, आप लोग रॉयल इलेवन ऐप के अंदर अपने फ्रेंड्स को शेयर करके भी 2000 रुपए तक पैसा जीत सकते हो, और हर दिन यहां पर गिव अवे चलते हैं पर आप लोगों के पास है आईफोन जीतने का मौका। तो देर किस बात की, दिनेश कार्तिक ने भी रॉयल इलेवन ऐप को ज्वाइन कर लिया है, आप लोग भी फटाफट जाके ज्वाइन कीजिए और यहाँ पर आप लोग लीडर बोर्ड का हिस्सा बनिए। उम्मीद करता हूँ कि जितना प्यार आपने मुझे मेरे प्रोफेशनल करियर में दिया है उतना ही प्यार और साथ यहाँ भी देंगे। कीप द रॉयल्टी विद रॉयल। दोस्तों आज है 4 मई और आज खेला जाएगा टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और टीम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला। क्या होगी इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट क्या है, मैच डिटेल्स क्या है और कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, पूरी डिटेल्स मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोगों को डिटेल्स जाननी है तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों आईपीएल 2022 का अंतिम दौर शुरू हो चुका है। आज आरसीबी की टीम अपना आईपीएल 2022 के लीग मुकाबले का 11वां मुकाबला खेलेगी। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई आज अपना 10वां मुकाबला खेलेगी। 10 मुकाबलों के बाद आरसीबी की टीम के नाम है 10 पॉइंट्स, यानी कि 5 मुकाबले आरसीबी जीती है, 5 मुकाबले हारी है, पॉइंट्स टेबल पर नंबर 6 पर है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई की टीम 9 में से 3 मुकाबले जीती है, वापसी कर रही है चेन्नई की टीम और पॉइंट्स टेबल पर नंबर 9 पर है। आज का मुकाबला चेन्नई की टीम के लिए मस्ट विन मुकाबला होने वाला है। वहीं आरसीबी की टीम भी चाहेगी कि आज का मुकाबला जीते, क्योंकि लास्ट के 3 मुकाबले आरसीबी हारी है, तो ऐसे में आज का मुकाबला आरसीबी की टीम के लिए बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले आज के मैच की पिच रिपोर्ट की बात करें तो आज ये मुकाबला पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेला जाएगा, एक ऐसा मैदान जहाँ पर ड्यू काफी कम पड़ती है, तो ऐसे में आज के मुकाबले में आप सभी को ड्यू का असर थोड़ा कम देखने को मिलेगा। इस मैदान पर पहले गेंदबाजी करने वाली टीम का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा रहा है और आज भी टॉस जीतने वाली टीम यही प्रेफर करेगी। अब हम लोग दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की बात करें और सबसे पहले चेन्नई की टीम की प्लेइंग 11 की बात करते हैं। ओपनिंग करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ के साथ में डेवन कॉनवे दिखेंगे, नंबर 3 पर अंबाती रायडू, नंबर 4 रॉबिन उथप्पा, नंबर 5 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 6 पर एमएस धोनी, नंबर 7 पर सिमरजीत सिंह, नंबर 8 पर मिचेल सैंटनर, नंबर 9 पर मुकेश चौधरी, नंबर 10 पर दिखेंगे ड्वेन प्रीटियस और नंबर 11 पर महेश ठिकसाना हम सभी को सीएसके की प्लेइंग 11 के अंदर देखने को मिलेंगे। आरसीबी की टीम के हम लोग अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो ओपनिंग में कप्तान फाफ डुप्लेसिस के साथ में विराट कोहली, नंबर 3 पर रजत पाटीदार, नंबर 4 ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पर महिपाल लामरूर, नंबर 6 दिनेश कार्तिक, नंबर 7 पर शाहबाज अहमद, नंबर 8 मनिंदु हसरंगा, नंबर 9 हर्षल पटेल, नंबर 10 मोहम्मद सिराज और नंबर 11 पर जॉस हेजलवुड हम सभी को आरसीबी की टीम की प्लेइंग 11 के अंदर दिखेंगे। दोनों टीमें यहां पर अनचेंज प्लेइंग 11 आज अपनी खिला सकती हैं। हम लोग आज के मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन की बात करें, मैच विनर की बात करें तो चेन्नई की टीम अपना कमबैक कर रही है अपने आखिरी मुकाबले में। हैदराबाद की टीम को चेन्नई ने हराया है और धोनी के वापस टीम के कप्तान बनने के बाद टीम के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया है। आरसीबी की टीम की हम बात करें तो लास्ट 3 मुकाबले आरसीबी हारी है, लेकिन आरसीबी की टीम भी कमबैक कर सकती है। आखिरी मुकाबले में भी आरसीबी की टीम ने गुजरात टाइटंस की टीम को एक अच्छी फाइट दी थी, तो आज एक टक्कर का मुकाबला होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी सीएसके की टीम फेवरेट रहेगी, क्योंकि आरसीबी के अगेंस्ट सीएसके की टीम का रिकॉर्ड हमेशा से अच्छा रहा है और इन दोनों की टीम के बीच में एक मुकाबला पहले आईपीएल 2022 में खेला जा चुका है जहां पर चेन्नई की टीम को जीत मिली थी। तो आज भी चेन्नई का पलड़ा ज़्यादा ज़रूर भारी है, लेकिन आरसीबी की टीम को भी आप लोग फेवरेट मान सकते हो, क्योंकि आरसीबी की टीम 5 मुकाबले पहले ही जीत चुकी है 10 में से, और आज का मुकाबला भी आरसीबी की टीम जीत सकती है। आपको दोस्तों क्या लगता है कौन सी टीम आज का मुकाबला जीतेगी, आप लोग नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।